नमस्कार, स्टेट न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। धारमहू लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर मनावर विधानसभा में अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सूरज कोरी झाबुआ से लौटते समय मनावर में भाजपा कार्यकर्ताओं से मिले। भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सूरज कोरी का चुनाव प्रभारी नारायण सोनी, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेश तोमर, दामोदर खंडेलवाल, समीर मल, काकरीचा कैलाश राठौर ने पुष्पमाला से स्वागत किया। आरक्षण मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा भाजपा पर यह आरोप लगाया गया कि भाजपा संविधान को समाप्त कर रही है। जनता समझ गई है, हमारे मतदाता समझ गए हैं कि भैया झूठ बोल बोल के बार बार सत्ता हत्याई नहीं जा सकती है। झूठ बोल करके इनने यहाँ पर विधानसभा में सत्ता हासिल की, अब इनका झूठ खुल चुका है और आम जन को समझ में आ रहा है कि अनुसूचित जाति का देसी कौन है। भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है और भारतीय जनता पार्टी हमारे आराध्य देवों को सम्मान देती है, चाहे अम्बेडकर जी के पंचतीर्थ हो, चाहे रविदास जयंती हो, चाहे वो कबीर जयंती हो, चाहे महर्षि वाल्मीकि जयंती हो, से हमारे आराध्य देव टंडिया भील हुए, हमारे बिरसा मुंडा हुए, इन लोगों को सम्मान देने का काम, सरकारी खर्चे पर अपना इनको सम्मान देने के महाकुंभ करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी करती थी, आज कांग्रेस इन्हें सम्मान नहीं देती है। ये सब आपके साथ में, इनके साथ मनावर से अनिल तोमर की रिपोर्ट।